तिराहे के पास दीपावली से एक दिन पहले धनतेरस के दिन एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें एक शराब की दुकान के जो पार्टनर थे वो कैश लेकर के रात में अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान दुकान से कुछ आगे चलने पे दो बदमाश उनकी मोटरसाइकिल को ओवरटेक करके आए और लूटपाट के प्रयास में उनको गोली मार दी और उनका बैग लेकर के चले गए। इसमें लगभग 2 लाख रुपये इनके गए थे जो बताए गए। इस घटना की जाँच थाना बाजार खाला द्वारा की जा रही थी। ये घटना काफ़ी सनसनीखेज थी, इसको देखते हुए ज्वाइंट टीम इसमें गठित किया गया था, जिसमें एसपी पश्चिमी कार्यालय से सरफलांग सेल और थाना बाजार खाला के प्रभारी सुजीत कुमार दुबे इनके नेतृत्व में टीम गठित करके इसकी घटना की जांच की जा रही थी। घटना की जांच करते समय 2-3 चीज़ें बेसिक हमारा था जिससे आगे हमें लीड मिली और हम लोग आगे बढ़े इसको वर्कआउट करने की दिशा में। एक तो हमें 2 CCTV फुटेज प्राप्त हुई थी, जिसमें एक बाइक थी जिस बाइक में एक नीली लाइट लगी हुई थी। वो नीली लाइट ब्लिंक करते हुए जब CCTV कैमरे में आया, बदमाश भाग रहा था, वो लाइट जलती हुई उसमें दिख रही थी। और दूसरा जो बदमाश था उसका हुलिया जो हमें आसपास के लोगों से प्राप्त हुआ और कुछ हमारे इन्फॉर्मर्स वहाँ पे थे उनके द्वारा जो सूचनाएं दी गई वो बेसिक इनपुट हमारा था इस घटना को वर्कआउट करने के लिए। जो बेसिक इनपुट हमें प्राप्त हुए उसको हमने एनालाइज किया और आगे उससे बढ़े। उसमें इसका घटना को पारित करने में इसका राजेश का और राजेंद्र दो बदमाशों का नाम सामने आया। और राजेश से मूलतया वहीं का बाजार खाला क्षेत्र का रहने वाला है, राजेंद्र का भी घर यही है, लेकिन चूंकि दोनों अपराधी हैं और लगातार लूट करते हैं और कई बार जेल जा चुके हैं, इस नाते ये अपने ठिकाने अलग अलग बदल करके रहते हैं। और जिस रूट पे ये भागे थे CCTV कैमरे में दिखे थे उस दिशा में इनका मूवमेंट भी उससे प्रमाणित हुआ। ये राजेश की गिरफ्तारी के लिए 15,000 रुपये का पुरस्कार भी घोषित किया गया और बीती रात इसकी गिरफ्तारी की गई है, जिससे लगभग 27,300 रुपये नगद तमंचा और घटना में जो मोटरसाइकिल प्रयुक्त हुई है जो CCTV कैमरे में भी आई है वो मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। इसे हम अभी और पूछताछ कर रहे हैं। इसके पहले ये जनवरी 2018 में अपने पूरे गैंग के साथ STF की टीम ने इसको पकड़ा था, जिसमें करीब 7 लोग इसके साथ जेल गए थे और ये लूट और डकैती की कई घटनाएं करता था और पुलिस की वर्दी पहन करके भी इसके गैंग के द्वारा घटनाएं किए जाने की जानकारी हुई है। इसके जो अन्य साथी हैं उनके बारे में कुछ लोग अभी जेल में हैं, बाकी कुछ लोग बाहर हैं। दूसरा जो राजेंद्र है वो भी अभी जेल से छूट करके आया है, वो भी STF ने जनवरी 2018 में जब भेजा था इसके गैंग के साथ ही जेल गया था। और इसमें राजेंद्र की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है, शेष बरामदगी उससे होनी है। जो घटना में प्रयुक्त असलाह था और घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल था वो दोनों की बरामदगी कर ली गई है।